बिल्कुल आप इनका सब्सक्राइबर बनवाइए और इनने जल्दी तूफान आती है, तूफान आती है। ओह माय गॉड, आप तभी गिरा ही देते हैं। हे गाइस वेलकम टू राज मेहरा व्लॉग। तो आज इतना धूप में निकले हुए हैं, आप लोग भी कहिएगा कितना धूप में निकला हुआ है, बट काम से निकलना ही पड़ता है। जो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कॉपी को हमको दिल्ली भेजना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी है, इसको दिल्ली भेजना है। और आज आप लोग को एक आदमी से मिलाते हैं, बहुत खास आदमी से, जो हमको लिफ्ट, जिसको हम बुलाएं लिफ्ट देने के लिए, वो है। बहुत आदमी जानते भी होंगे इनको, तो मिलाते हैं हम लोगों को उनसे भी। आ ही गए वो भी। हमर डरहार घर नहीं, डरहार तो हम बुझलो घर। अरे तो आईटी यहां करे छे नहीं आईटी, इसको बहुत ज्यादा हार्ड धूप कहते हैं। आप मेरे ब्लॉग में भी आ जा रहे हैं, इससे पहले क्या अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मेरा नाम उज्जवल कुमार मिश्रा हुआ, मैं मिथिला स्टेट यूनियन का भी बहादुरपुर प्रभारी हूँ। ये बहुत काम का बंदा जिसको भी ये सोशल हेल्प करते रहते हैं, सबका हेल्प करते रहते हैं। जहाँ लगता है हेल्प करना है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। तो आप लोग भी और क्या ही बोले इनके बारे में, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड कम पड़ रहा है। अरे वाह, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है अब मिथिला के लोग को जागना चाहिए और अपने अपना जो इतिहास था, एक अपना जो भूगोल था, इस पे और यहाँ के आम जनमानस को सोचना भी चाहिए। तो इसीलिए अभी जो रवि भाई कर रहे हैं, इससे हम भी बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए जो इनका कहीं ना कहीं मोनोपोलिसी जो है वो हाई लेवल का है, इसीलिए आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए और मिथिला की भी जो समृद्धि थी उसकी वापस लाने के लिए आप लोग भी जगिए। जय मिथिला, जय मिथिला। मेन बात है अब हम लोग का एक ही मोटिव है, मिथिला को रिप्रेजेंट करना। कहीं ना कहीं मिथिला को आदमी धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन हम लोग का काम है बस मिथिला को बसाना, ना कि हम बिहारी हैं, हम लोग मैथिल हैं। कल हमें आज ना कल हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाँ क्योंकि हमारा एक अपना इतिहास था, हमारा एक अपना भूगोल था, लेकिन यहाँ की जो मगरिया सरकार है वो कभी ना चाहिए जो मिथिला समृद्ध हो, संपन्न हो। इसलिए यहाँ पे हर एक चीज आज जो देख रहे हैं, हम लोग संघर्ष किए तो 7 साल में आई हमारी यहाँ पे है, एम्स आई है और अभी भी एम्स का निर्माण सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। वो आपको हमें दिखाएंगे एम्स का क्या निर्माण। हाँ, और देखिएगा आप भी जो हम लोग जब संघर्ष किए थे 2017 में, आज से 20 साल पहले जब दरभंगा राजा जब यहाँ पे थे तब उनका अपना एयरपोर्ट था, तो हम लोग 20 साल संघर्ष किए तब हमें एयरपोर्ट मिलता है, हम 7 साल संघर्ष करते हैं तो हमें यहाँ पे एम्स मिलता है। तो अगर आंदोलन करेंगे, अगर ऐसे हम परिश्रम करेंगे तो हमें 100 सालों में सब कुछ मिलने को देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें कुछ नहीं, अब मिथिला राज चाहिए, इस पे आप लोग भी जगिए। और कहीं ना कहीं यूथ पावर सबसे मजबूत होती है, और दुनिया में अगर यूथ पावर जो चाले वो हर चीज हो सकती है। इसलिए नौजवान को जगना चाहिए और अपने इतिहास के बारे में सोचना चाहिए और आगे जो हमारी संपन्नता कैसे वापस आए उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ पे यूथ आती है वहाँ पे कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार कुछ नहीं चलती, तूफान आती है, तूफान आती है, तूफान आती है। अगर स्टूडेंट लीडर चाहे तो अच्छा अच्छा नेता को रोड पे ला सकता है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी लोग जानते हैं, हम भी इतना दिन में जान चुके हैं। आने वाले टाइम में हम भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मिथिला को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे और इसमें भागीदारी देंगे हमारे उज्जवल कुमार मिश्रा। क्या? हाँ जरूर जरूर। आप लोग मेरे व्यूअर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर, आप इनका सब्सक्राइबर बढ़वाइए और इनका जो मनोबल है उसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके भविष्य है और इनका जो मनोबल बढ़ेगा आप लोग का भी मनोबल बढ़ेगा और आने वाले जनरेशन जो इधर उधर भटक रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसीलिए जरूर इनका सब्सक्राइबर बढ़ाएं और प्लीज वो क्या कहते हैं उसको, लाल बटन पे लाल बटन क्लिक करें। हाँ वो तो अब पहली बार है तो हम तो सब्सक्राइब टू बेल आइकन जरूर। तो आप लोग बस यही इन्हीं लोगों की वजह से हमको मोटिव मिलता है और वीडियो करने का आज कोई इंटेंशन नहीं था वीडियो करने का, क्योंकि इतना धूप है आज तो ये भी जानते होंगे, लेकिन हमको काम था, इस कॉपी को दिल्ली भेजना है भैया के पास, तो करना ही पड़ेगा।
तो काम तो होती रहती है, चाहे धूप आए आंधी आए तूफान आए, काम तो काम है। तो आप लोग चलिए दिखाते हैं, आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ तक दिखाएंगे, भगवान का क्लिप शूट करेंगे, मेरा तो वहाँ भी करेंगे। पहुँच गए हैं लहरिया सराय पोस्ट ऑफिस, यही एंट्रेंस गेट है लहरिया सराय पोस्ट ऑफिस, चलिए दिखाते हैं। हाँ दिखा देते हैं पब्लिक को कैसा पोस्ट ऑफिस होता है। ओह माय गॉड, आप तो अभी गिरा ही देते हैं, उतना बड़ा खाई में चल जाते हैं। अभी देखे तो ये वहाँ लगे ना, वहाँ ठंडा में, वहाँ ठंडा है ना उस साइड जहाँ साइकिल लगा। ये पूरा पोस्ट ऑफिस बहुत साफ सुथरा है, पूरा का पूरा लहरिया सराय ब्रांच ऑफिस। ये देख लीजिए, आप जूम कर वीडियो बनाने नहीं देगा ना, चलिए काम करवा के आते हैं, इसको पार्सल करवा के अगर मौका मिलेगा तो बना के दिखाते हैं, पब्लिक को पता चलना चाहिए ना हम लोग क्या काम कर रहे हैं। क्या जब सब चीज़ दिखाना है तो सब चीज़ दिखाइए। क्या चलिए यही पोस्ट ऑफिस करवा दिए दिल्ली के लिए हम लोग, और अब जा रहे हैं घर जाएंगे। चलो मौसम ठंडा हुआ तो कुछ मौसम है क्या करे, कहीं तो अपना टैलेंट दिखाए। यहाँ का आदमी नहीं समझेगा तो पब्लिक तो समझेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या टैलेंट है। चलिए धूप भी आज खत्म हो गया, निकल रहे हैं आप पोस्ट ऑफिस से। अब कहाँ जाना, घर की तरफ? चलिए घर से, चलिए घर की तरफ निकलते हैं। तो लोग कुछ खास नहीं था, इतना धूप भी था आज, कुछ कहीं गए भी नहीं व्लॉगिंग करने, बस एक काम था पोस्ट ऑफिस का वो किए, और उनसे मिलवाना भी था व्लॉग में, वो बहुत दिन से बोल रहे थे व्लॉग में नहीं ला रहे हैं, वो मिथिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका वो MSU पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी उटी का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चलेगा, वो तो चला गया तो हम चला दिए। बाकी हमारा चैनल पे कोई पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं, किसको कोई सपोर्ट नहीं, पार्टी उटी से कोई लेना देना नहीं, अपना लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करना है, अपने पे रहना है, कोई पार्टी उटी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, ऐसे प्यार और सपोर्ट देते, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।